छिंदवाड़ा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के स्थापना दिवस 7 के उपलक्ष्य में छिंदवाड़ा इकाई द्वारा दिनांक 17 सितंबर 2022 को सतपुड़ा लॉ कॉलेज छिंदवाड़ा में व्याख्यानमाला हिंदू विवाह और भारतीय दंड संहिता विषय पर आयोजित की गई सर्वप्रथम सरस्वती जी के छायाचित्र पर सतपुड़ा लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल तिवारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष डी के धारा उपाध्यक्ष संगीत श्रीवास्तव सचिव पंकज चिखलकर द्वारा माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलित कर संगीत श्रीवास्तव द्वारा प्रभु वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात अधिवक्ता परिषद के जिला अध्यक्ष डी के धारा द्वारा भारतीय दंड संहिता के अपवाद और सत्येंद्र वर्मा द्वारा हिंदू विवाह विषय पर व्याख्यान माला दी गई। मंच संचालन पंकज चिखलकर और आभार प्रदर्शन सुंदरलाल चोरिया द्वारा किया गया और कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम की गाकर समाप्त किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर जयेंद्र भारद्वाज, मोहन सोनी, अजय पालीवाल, श्रवण बंदेवार, एडवोकेट देवेंद्र वर्मा, अंशुमणि तिवारी, शरद मालवीय, दीनदयाल साहू, ब्रिजेश कोहरे, चंद्रकांत वर्मा, राजेश कपाले, राजेश गोहिया, मुकेश धुर्वे, विपिन पुस्तकालय सचिव मेमा सहित सतपुड़ा लॉ कॉलेज के विद्यार्थी और अधिवक्ता एवं अधिवक्ता परिषद के सदस्य उपस्थित रहे। उक्त आशय की जानकारी अधिवक्ता परिषद के जिला मीडिया प्रभारी एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने दी। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अंतर्गत
प्रकरण चलेगा और उसे दोषी ठहराया जाएगा, जुर्माना होगा और साथ ही साथ जो भी सजा न्यायालय देना चाहती है। तो ये जो न्यायालय जो सजा देती है, कई जगह ऐसा है केवल कारावास, कई जगह केवल जुर्माना, और कई एक ऐसे दंड है जिसमें कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। तो स्वेच्छापूर्वक जब भी आप कोई भी क्रिमिनल रॉन्ग करते हैं तब आपको दंड का भागी होना होता है। पर ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो आप अंतर्मन से नहीं चाहते हैं पर आपको परिस्थिति बस करना पड़ जाता है। वह अपराध की श्रेणी में तो है परंतु उससे आपको दंड का भागी नहीं होना पड़ता।